Dear students, once again I want to tell you some questions from exercise 6A. Like question number 5. As question number 5, it is asking identify polynomials from the given algebraic expression. यानी नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज मोर देन थ्री आर मोर देन थ्री थ्री आर मोर देन थ्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जिसमें तीन या तीन से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एंड ऑन दैट टाइम आई वॉज सजेस्टेड यू कि इन विच कंडीशन दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स एंड दे आर नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो यू शुड रिमेम्बर द थिंग्स has already taught and you should consider about these two questions that they are polynomials or not. Students, first thing was if there is numerical denominators, agar question mein numerical denominators aate hain, on that condition it is called polynomials. Ye polynomials honge. सो फर्स्ट क्वेश्चन 4/9 एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सपोज दैट यहां एक्स स्क्वायर हटा दिए तो यू कैन से इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट इन सेकेंड क्वेश्चन you can see it has written 2/x plus 3/x² minus 4x² plus 3x plus 2. Here you can see the denominators are natural number. And I had already suggested you कि there should not be literal number as a denominator. Denominator में कोई literal number नहीं होना चाहिए, तब तो वो पॉलिनोमियल्स है। अदरवाइज दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स इफ दे हैव लिटरल नंबर एज ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में लिटरल नंबर है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। इन दिस वे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टूड? तो किस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स होता है और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, इट है इट शुड बी क्लियर टू यू। एंड जस्ट आई हैव टोल्ड यू व्हाई इट इज पॉलिनोमियल्स एंड व्हाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन टू ऑप्शंस हैज बीन लेफ्ट फॉर यू टू सॉल्व योरसेल्फ फ्रॉम सीइंग द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री पूछ रहा है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट ड्यूरिंग द रूल्स, वे आर टॉट जब रूल्स बताए जा रहे थे उस समय मैंने बताया था। हियर यू कैन सी, और डिग्री भी किसकी देखी जाती है, डिग्री जो है लिटरल नंबर्स के देखे जाते हैं। एक्स जो है लिटरल नंबर है, फोर जो है न्यूमेरिकल नंबर है, कांस्टेंट जिसको भी कहते हैं। तो लिटरल नंबर का डिग्री यहाँ एक्स टू दी पावर 2 है और यहाँ एक्स टू दी पावर 4 है, यानी एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू दी पावर 4। तो यू कैन सी दिस एक्स हैज मोर पावर, तो यू कैन से इट इज डिग्री ऑफ 4, इट इज डिग्री ऑफ 4। बट
वेर इज देयर टू लिटरल नंबर्स थ्री लिटरल नंबर्स टुगेदर विद द मल्टीप्लाई साइन ऑन दैट कंडीशन व्हाट शैल यू डू। तो उस कंडीशन में जो लिटरल नंबर्स दिए हैं उनके पावर्स को जोड़े जाएंगे, पावर्स को जोड़ेंगे। तो हियर यू कैन सी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इफ यू विल ऐड बोथ पावर्स यू विल गेट फोर, टू और टू फोर। तो यहां हो गया आपका फोर प्लस एम एन स्क्वायर। तो एम एन स्क्वायर में जिसका पावर नहीं होता है उसका वन मान लेते हैं, तो एम का पावर वन है, एन का पावर टू है, तो ये टू और वन थ्री हो गया। तो हियर पावर बिकम्स फोर एंड हियर थ्री, सो इट इज ऑल्सो इट हैज ग्रेटर पावर, सो इट इज ऑल्सो डिग्री ऑफ फोर, इट इज डिग्री ऑफ फोर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी किसी चीज की डिग्री पूछी जाए, किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछी जाए कि कितने डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स है, तो अगर सिंगल लिटरल नंबर्स है तो जो उसमें हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होगी सिंगल लिटरल नंबर्स में। और अगर ज्वाइंट लिटरल नंबर्स है, दो या तीन लिटरल नंबर्स एक साथ है, तो वो कितने डिग्री वाला पावर है, तो उसके साथ आप दिखाएंगे। सपोज दैट वन, अपने तरफ से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस फाइव, ऐसे देखिए। अगर इसको पूछा जाए कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, तो हियर यू कैन सी एक्स का कोई पावर नहीं है तो ये वन होगा, वाई का कोई पावर नहीं है तो वन वन और वन टू, और जेड का टू पावर है तो टू टू और टू फोर हो गया। तो इसका फोर हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का कोई पावर नहीं है तो इसका वन होगा, तो टू टू फोर और वन फाइव। तो दिस हैज फाइव एज अ पावर एंड दिस हैज फोर एज अ पावर, सो इट इज पॉलिनोमियल ऑफ इट इज पॉलिनोमियल ऑफ सॉरी इट इज डिग्री ऑफ फोर, इट इज डिग्री ऑफ फाइव, ये फाइव की डिग्री होगी। इस तरह से आप डिग्री को पढ़ सकते हैं। आप नाउ देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज दैट यू कैन सॉल्व, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम सम एग्जांपल्स फ्रॉम बैक साइड, एंड वेन एवर देयर इज मोर प्रॉब्लम दैट यू कैन आस्क थ्रू द मोबाइल। अब देयर इज अ हार्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये हॉट क्वेश्चन है, इसको बताना जरूरी है। देयर आर सम ट्रिक्स, कुछ सिंबल्स हैं, एंड द सिंबल्स आर इफ ट्रिपल, ये फोर लाइन वर्टिकल्स है, प्लस थ्री लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, प्लस ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस जेड, देन राइट द एल्जेब्रिक, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ट्रिपल फोर पैरेलल लाइंस प्लस थ्री बॉक्सेस प्लस वन वर्टिकल लाइंस। तो यू हैव राइट डाउन दीज एज
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट हैज टोल्ड। तो हियर यू कैन सी इफ फोर वर्टिकल लाइन है तो इट्स को फोर एक्स स्क्वायर, फोर वर्टिकल लाइन का मतलब फोर एक्स स्क्वायर, जब ये फोर वर्टिकल लाइन है दैट मीन्स फोर एक्स स्क्वायर, और थ्री पैरेलल्स ऐसे लाइन है तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन्स है तो इसका मतलब दिया है आपका थ्री वाई स्क्वायर, यहां देख सकते हैं। और वन बॉक्स फॉर वन बॉक्स इट इज सेइंग जेड, ये जो बॉक्स है इसके लिए जेड शो कर रहा है। तो नाउ अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन फोर है और प्लस थ्री बॉक्सेस दिए हुए हैं लाइक दिस एंड प्लस वन वर्टिकल लाइन है तो यू कैन राइट इट, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वाई का प्रयोग किया गया है तो यू कैन राइट फोर वाई स्क्वायर प्लस बॉक्सेस के लिए जेड का प्रयोग किया गया है तो देयर इज नंबर ऑफ बॉक्सेस थ्री तो यू कैन राइट इट थ्री जेड एंड वन वर्टिकल लाइन है तो फॉर वर्टिकल लाइन इट इज योर एक्स स्क्वायर सो हियर यू कैन राइट एक्स स्क्वायर। इन ऑर्डर यू कैन राइट लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड, एक्स वाई जेड के क्रम में अगर इसको क्रम से लिखते जाते हैं एक्स वाई जेड तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड, इट विल बी योर।